हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को अस्तर और फैब्रिक में ब्रैकेट ब्लाउज कटिंग करना बताएंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप अभी भी चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरीके से ब्रैकेट ब्लाउज कटिंग करना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप सीख लेती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर बैक पार्ट काट करूँगी। ब्रैकेट ब्लाउज में पहली बैक पार्ट काट करने से सही तरीका होता है, तो अगर आप इसको अलग अलग करके काट करने से आपको भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पहली बैक पार्ट काट करने से फ्रंट पार्ट कटिंग करना भी बहुत ही आसान होता है। तो इस तरीके से टू फोल्डिंग कर लेना है ये ब्लाउज, जितना साइज का भी हो। तो उसी के हिसाब से यहाँ पर अस्तर को लूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक कितने इंच तक लेना है, जैसे कि 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, इस तरीके से यहाँ पर फोल्डिंग करूँगी। उसके बाद लेना है ब्लाउज का लंबाई। लंबाई देखिए, हमेशा अपने हाइट के अनुसार ही लेना है। यहाँ पर लंबाई होगा 14 इंच तक ब्लाउज का तैयार रखूँगी और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा 1 इंच, तो टोटल 15 इंच का ब्लाउज का लंबाई लूँगी। उसके बाद लूँगी शोल्डर, जैसे कि यहाँ पर शोल्डर 5.5 इंच तक ही रखूँगी और नेक लाइन रखूँगी 2 इंच तक लूँगी। फिर यहाँ से नेक डिप लूँगी। नेक डिप देखिए, आप अपने हिसाब से ही लेना है। यहाँ से मैं 10.5 इंच तक इसका नेक डिप रखूँगी और यहाँ पर देखिए 2.5 इंच तक नेक का चौड़ा लूँगी। और यहाँ पर देखिए, बैक साइड में आप कोई भी नेक डिज़ाइन लगा सकते हो। मैं यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा डीप नेक काट करूँगी यहाँ पर, ये देखिए। तो अभी देखिए यहाँ से आर्म होल लूँगी। आर्म होल देखिए, यहाँ से 6 इंच का आर्म होल रखूँगी और यहाँ से देखिए 5.5 इंच तक बराबर मिलाऊँगी। बराबर मिलाने के बाद यहाँ से चेस्ट के लिए मेजरमेंट लूँगी। जैसे कि ये ब्लाउज 39 साइज है, तो यहाँ पर देखिए 9 से 75 तक आता है और एक्स्ट्रा यहाँ से 2 इंच तक लूँगी। और यहाँ पर देखिए कमर से हम किस तरीके से मेजरमेंट लेना है। कमर में देखिए चेस्ट से हम यहाँ से 1 इंच तक ही कम रखूँगी, इस तरीके से। तो चलिए अब इसको हम काट कर लूँगी। यहाँ पर जिस तरीके से चक से निशाना दिया है, उसी निशाना के हिसाब से ही यहाँ पर काट लगाऊँगी। बैक पार्ट कटिंग करने के बाद फ्रंट साइड काट करने के लिए अभी देखिए अस्तर को हम इस तरीके से घुमा करके ले लूँगी यहाँ से, देखिए इस तरीके से। तो अभी देखिए यहाँ पर अस्तर को फिर से हम टू फोल्डिंग करके पिसाऊँगी। ये देखिए टू फोल्डिंग करके पिसा लिया है। अभी देखिए जो कटा हुआ बैक पार्ट को इस अस्तर के ऊपर रखूँगी, तो पहले हम बैक पार्ट के हिसाब से निशाना लगा लूँगी। ये देखिए इस तरीके से पिसा लेना है। यहाँ पर देखिए ठीक बिल्कुल बराबर यहाँ से मेजरमेंट इस तरीके से ही लेना है। ये देखिए जो बैक पार्ट के हिसाब से यहाँ पर निशाना लगा लूँगी। तो अभी देखिए यहाँ से आर्म होल से देखिए अंदर की तरफ से 1/2 इंच तक लूँगी, इस तरीके से। उसके बाद लूँगी फ्रंट साइड के लिए नेक डिप। यहाँ से देखिए 7 इंच तक रखूँगी और 5.5 इंच पे और एक निशाना लगाऊँगी। तो अभी देखिए इस पॉइंट को यहाँ से मिलाना है। तो अभी देखिए यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा ज़्यादा लूँगी, बैक पार्ट से फ्रंट साइड की तरफ से एक्स्ट्रा 2 इंच ज़्यादा लेना है। और यहाँ से देखिए बास पॉइंट, यहाँ से मैं 6 इंच का बास पॉइंट ही रखूँगी। तो अभी देखिए यहाँ से हल्का सा शेप लगाऊँगी इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए 3 इंच तक लूँगी। और यहाँ से देखिए 6.5 इंच तक लूँगी और इसको इस तरीके से रखूँगी। तो अभी देखिए कतरू के लिए मेजरमेंट लूँगी। जैसे कि ये 39 साइज है, तो हम 39 को 10 से डिवाइड करूँगी, तो यहाँ से कितने इंच तक मिलता है, 3.9 इस तरीके से डबल ले लूँगी और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1 इंच और साइड से देखिए 4.5 इंच तक मिलता है। फिर यहाँ से कतरू के शेप उठाएंगे 1 इंच तक और यहाँ से भी 1 इंच तक।
उसके बाद देखिए यहाँ पर कतरी में जितने इसमें मिला है इसको हम हाफ कर लूँगी, यहाँ तक आता है इसका हाफ, और जहाँ जहाँ हाफ किया है वहाँ से इस दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला दूँगी। मिलाने के बाद देखिए अभी आर्म होल से और एक मेजरमेंट लेना है, ये देखिए ये दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट और जहाँ से 5.5 इंच लिया है ये दोनों पॉइंट को बराबर इस तरीके से रखूँगी, और यहाँ से देखिए ये देखिए ये 2 इंच तक आता है, और यहाँ से इस तरीके से इस शेप को मिला दूँगी। तो ये देखिए मिला दिया, उसके बाद देखिए यहाँ से कितना इंच तक लेना है और एक कतरी का पार्ट, मैं यहाँ से 5 इंच तक रखूँगी और यहाँ से 1/2 इंच तक डाउन करूँगी, और यहाँ से 1.5 इंच तक, और जहाँ से हाफ किया है वहाँ से ये दोनों पॉइंट को मिला दूँगी, और यहाँ से देखिए 2.5 इंच तक रखूँगी, यहाँ से इस तरह से मिलाऊँगी। मिलाने के बाद देखिए यहाँ पर पूरा पूरी कंप्लीट है, ये 1 है और 2 और ये 3 पार्ट है, इस तरीके से रखूँगी देखिए। तो इसलिए अब इसको हम काट कर लूँगे, काट यहाँ पर देखिए जहाँ से चौक से निशाना लगाया है उसी निशाना ही बराबर यहाँ पर काट लगाऊँगी। फिर यहाँ से स्लीव काट करूँगी, स्लीव काट करने के लिए इस तरीके से अस्तर को 4 फोल्डिंग कर लूँगी, यहाँ से देखिए ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर देखिए सिर्फ एक पार्ट को ज्वाइन लगाना होगा, और यहाँ से देखिए स्लीव का लंबाई, ये देखिए मैं यहाँ पर स्लीव का लंबाई टोटल 11 इंच तक रखूँगी, वैसे भी ये स्लीव का लंबाई 10 इंच है, और एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 1 इंच लिया है, और यहाँ से मुहूरी 5.5 इंच और एक्स्ट्रा फैब्रिक 1.5 इंच तक रखूँगी, और यहाँ से देखिए 7 इंच तक नहीं तो 7.5 इंच तक यहाँ से लूँगी, फिर यहाँ से इस तरीके से मिलाऊँगी इस पॉइंट को देखिए। फिर यहाँ से कमर पट्टी काट कर लूँगी, कमर पट्टी में यहाँ पर 1.5 इंच तक रखकर काट करूँगी। उसके बाद यहाँ से योग पट्टी काट करूँगी, योग पट्टी काट करने के लिए बैक पार्ट का कमर का मेजरमेंट में जितने इंच तक चूरा है उसी के हिसाब से ही लेना है, और यहाँ से देखिए बराबर यहाँ से मैं 6.5 इंच तक रखूँगी, नहीं तो 6 इंच तक यहाँ से रखूँगी, इस तरीके से 6 इंच तक मैंने ले लिया, और इसके लिए मैं एक्स्ट्रा अलग से पट्टी काट नहीं करूँगी, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा रखकर काट कर रही हूँ, ये देखिए 6 इंच तक मैंने काट किया है, और यहाँ से देखिए यहाँ से 7 इंच तक रखूँगी, और यहाँ से तो 6 इंच ही रखूँगी, नहीं तो 5.5 इंच यहाँ से ले लूँगी इस तरीके से 1/2 इंच कम कर कर, और यहाँ से 6 इंच तक रखूँगी। तो बैक पार्ट का कमर का चूरा में जितने इंच तक मिलता है उसी के हिसाब से ही यहाँ से भी लेना है योग पट्टी में। तो अभी देखिए इस पॉइंट को यहाँ से मिलाऊंगी इस तरीके से, तो यहाँ पर देखिए अस्तर का कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट है। तो चलिए अभी हम फैब्रिक में काट कर लूँगी, फैब्रिक में काट करना अभी देखिए सबसे ज़्यादा आसान होगा, सिर्फ हम जो कटा हुआ पार्ट को इस कपड़ में पिसा कर काट कर लूँगी।
तो सभी पार्टों को इस तरीके से फिसा लूँगी। बराबर देखिए, इस तरीके से फिसाने के बाद ही काट करूँगी। यहाँ पर देखिए, चाहे तो पहले आप इसको चौक से निशाना लगा कर भी काट कर सकते हो। मैं यहाँ पर देखिए डायरेक्ट काट करूँगी, इस तरीके से सभी पार्टों को इस तरीके से काट कर लूँगी। फिर बैक साइड की तरफ से दांत लगाऊंगी। यह दांत आप अपने हिसाब से लगाना है। मैं यहाँ से 5 इंच तक यहाँ पर निशाना लगाऊंगी। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा काट कर निशाना लगा दूंगी। उसके बाद यहाँ से देखिए, जहाँ पर बैक पार्ट काट करने के बाद देखिए, हमेशा ध्यान में रखना है यहाँ से जो फ्रंट साइड का आर्महोल का पार्ट है इसी को काट करना है। तो ये कभी भी भूलना नहीं है, हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है। बैक पार्ट काट करने के बाद फैब्रिक में देखिए, इस पार्ट को यहाँ से काट करना होता है, नहीं तो आप ब्रैकेट ब्लाउज को कभी भी मिलाकर काट नहीं कर पाएगा, इस तरीके से काट नहीं करने से। तो यहाँ से देखिए, युगपटी भी काट कर लिया है। तो यहाँ पर कटिंग पूरा पूरी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने यहाँ पर किस तरीके से कटिंग किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने से वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।